नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजपूत टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम OnePlus बुलेट वायरलेस जेड सीरीज हेडफोन की रिपेयरिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। OnePlus का हेडफोन है, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, इसमें एक साइड में स्पीकर काम नहीं कर रहे हैं और दूसरी साइड के स्पीकर बराबर काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल ओके कंडीशन में चालू है। आपको हम इसे दिखाते हैं। देखिए, हमने इसे ओपन किया, ये देखिए ये चालू है, इसका मैग्नेटिक स्विच बराबर काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसका जो एक साइड का हेडफोन है ये काम नहीं कर रहा है, ये लेफ़्ट साइड वाला। तो दोस्तों, जनरली इसमें होता क्या है, जो इस साइड वाला जहाँ पे आपके वॉल्यूम अप डाउन वाले स्विचेस लगे होते हैं, इस साइड में आपके दो वायर रहते हैं जो कि यहाँ पे जो स्पीकर होता है उसमें कनेक्ट होते हैं, और यहाँ पे जो बैटरी होती है उस साइड से आपके पांच वायर निकलते हैं। तीन तो आपके सेंसर के होते हैं और दो आपके स्पीकर के होते हैं। तो अभी हमारा ये वाला जो हेडफोन है, ये वाला स्पीकर, ये काम नहीं कर रहा है, लेफ़्ट साइड वाला। तो दोस्तों, जनरली इसमें दो जगह से प्रॉब्लम हो सकती है। जनरली इनके वायर कट जाते हैं, ये जो इसका जो ज्वाइंट होता है, या तो यहाँ से वायर कट जाते हैं या फिर इसके यहाँ से वायर कट जाते हैं, या फिर ये खिंच जाता है तो अंदर से इसके वायर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या तो स्पीकर साइड से या फिर आपके यहाँ पे जहाँ वॉल्यूम अप डाउन वाला सर्किट है यहाँ से। ये मैग्नेटिक स्विच जो है, इसको इस तरह से इसको आपस में मिला देना है जिससे ये ऑफ हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप इसे ओपन करें, नहीं तो आपके फंक्शन कुछ भी ऑपरेट होने लगेगा। इसलिए और इस तरह से आप यहाँ से इसको ऐसे ओपन कर लीजिए, तो हम इसे पूरा ओपन करके फिर आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको इसे ओपन कर लेना है। हमने देखिए इसे ओपन कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे ये इस तरह से यहाँ पे फिट था, तो ये हमने ओपन कर लिया है। अब दोस्तों, इसमें ये जो वायर है, ये वाला, ये अंदर से कहीं ना कहीं से डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए आपका स्पीकर काम नहीं कर रहा है। तो इसे हम यहाँ से और इसका जो सर्किट है ओपन करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। हमने इसकी जो पीसीबी है इसको ओपन कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका वॉल्यूम के वायर कनेक्शन है और माइक भी यहाँ पे अटैच है, माइक लगा हुआ है, और जो लेफ़्ट वाले जो स्पीकर हैं इसके जो वायर हैं, हमने यहाँ पे चेक किया इन्हें, तो ये कहीं से कोई कटा नहीं है, कोई डिस्कनेक्ट नहीं है, और ये यहाँ से इसका जो सर्किट है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से सीधा इसका कनेक्शन आगे की ओर जा रहा है, इस वाले सर्किट में यहाँ पे कनेक्ट है। तो जनरली दोस्तों, यहाँ से वायर कई बार कट जाता है, खिंच जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से तो ये प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब इसमें जो प्रॉब्लम होगी वो यहाँ से स्पीकर साइड से प्रॉब्लम होगी। हो सकता है इसका स्पीकर वायर डिस्कनेक्ट हो रहा हो या वायर खिंच गया हो, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसे खोलना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको खोलने के लिए आप क्या करें, इस तरह से इसे अच्छे से पकड़ लें ऐसे करके, इस तरीके से, और एक प्रेशर देंगे तो इसमें क्या लॉकिंग रहती है, ये खुल जाएगा। देखिए, मैं इसको, ये देखिए, ये इस तरह से ये खुल जाता है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये वायर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये वायर यहाँ से ओपन है, ये देखिए दोस्तों, ये वायर यहाँ से ओपन है, तो यही इसकी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें इसे सोल्ड करना होगा। हम इसे एक बार चेक भी कर लेते हैं कि आप हमारा जो स्पीकर है ये सही है कि नहीं, इसके लिए हमें मल्टीमीटर से हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे ओम्स रेंज में रख लिया है, देखिए दोस्तों, अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये हमारा जो स्पीकर है ये सही है कि नहीं। देखिए, इन दोनों पॉइंटों पे हमें चेक करना है। देखिए दोस्तों, हमारा स्पीकर बिल्कुल ओके है और ये जो वायर है
ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो बस हमें इसे सोल्ड करना है। देखिए दोस्तों, ये वायर को हम यहाँ पे सोल्ड करेंगे, तो हम यहाँ इसे प्रॉपरली यहाँ पे रख लेते हैं। अब हम इसे यहाँ पे देखिए इसे सोल्ड करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसे सोल्ड कर दिया है। अब दोस्तों इसे हम वापस फिट करेंगे, तो उसके लिए हमें इसे बस इसे लगाना है और प्रेस कर देना है। ये देखिए लॉक हो गया। अभी दोस्तों बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने हेडफोन को रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पीसीबी है इसे हम दोबारा वापस फिट कर देंगे। ये हमारा हेडफोन बिल्कुल ओके हो गया है। इसे इस तरह से प्लेट को इस तरह से वापस अच्छे से रख लेना है। ये जो ऊपर का जो पैड है इसको लगा देना है। ये यहाँ पे इस तरह से आएगा, इसको लगा दिया, बस इसको प्रेस कर देना है, ये फिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा हेडफोन रिपेयर हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।